बॉलीवुड की मजेदार खबरों के लिए तुरंत ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को दबाएं, जिससे नई वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच जाएगी। जान लीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार अभिनेता सलमान खान और ऐश्वर्या राय बच्चन के प्यार के किस्से तो आप लोगों ने बहुत सुने होंगे, लेकिन उस बीच इन दोनों की 3 फिल्में आई थी। 3 फिल्में ही बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और उसके बाद इन दोनों की जोड़ी को लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। उसी बीच सलमान खान और ऐश्वर्या राय बच्चन का ब्रेकअप हुआ, उसके बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ कभी किसी फिल्म में नजर नहीं आए, लेकिन फिलहाल सबको ठीक हो चुका है। ढाई अक्षर प्रेम के हम दिल दे चुके सनम, हम तुम्हारे हैं सनम जैसी बेहतरीन लव स्टोरी फिल्में करने के बाद अब बॉलीवुड के सुपरस्टार अभिनेता सलमान खान और ऐश बच्चन एक बार फिर से हमें दिख सकते हैं 2020 में। जी हां, आपको बता दें, हालांकि इस बात की कंफर्मेशन अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन बताया जा रहा है कि सलमान खान और ऐश्वर्या बच्चन को लेकर संजय लीला भंसाली नवा प्रोजेक्ट लेकर आने वाले। जी हां, हालांकि इस बात की अनाउंसमेंट नहीं हुई, लेकिन चर्चा जोरों शोरों से चल रही है कि सलमान खान और ऐश बच्चन को 2020 में एक पर्दे पर एक साथ किया जा सकता है। हालांकि इस बात की संजय लीला भंसाली पूरी कोशिश कर रहे हैं। वैसे आपको बता दें, इस बार सलमान खान के साथ पंगा लेने यानी सलमान के साथ क्रैश करने वाली हैं ऐश बच्चन अपनी फिल्म को लेकर। फिल्म का नाम है फने खान, वहीं पर सलमान खान की रजिस्ट्री भी रिलीज होने वाली है। तो क्या 2020 में सलमान खान और ऐश बच्चन किसी बड़े प्रोजेक्ट में नजर आ सकते हैं या फिर नहीं?